So hey everyone, this is Harshit. Welcome back to a brand new video. So in this video, I'm gonna talk about top 5 BBA or we can say BMS colleges in India. So ये मैंने पूरा अपना जो last one year से जितना मैंने मतलब last year मैंने जितने भी college सर्च की थी रिसर्च की थी उसके बेसिस पे बहुत सारे लाइक प्लेसमेंट्स हो गया फीस हो गए काफ़ी फैक्टर्स मैंने मतलब उसके बेसिस पे रैंकिंग मतलब मैंने बनाई है ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी लेकिन जो मेरे को लगता है ये ठीक है तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा भी उनकी प्लेसमेंट्स मतलब किस रेंज में है या फिर आप कह लो उनकी फीस कितनी है ठीक है और क्या क्या प्रोसीजर है थोड़ा ठीक है उसका ब्रीफ दे दूंगा तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और टॉप 5 बताता हूँ रेंजिंग फ्रॉम 5 to 1 रैंक है कुछ कॉलेज की रैंक लाइक 1-2 और सुनो ये है बीबी और बीएमएस काफी लोग डिफरेंट कोर्स मानते हैं बीएमएस की फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीबीए की है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं बताऊं कुछ कॉलेजेस मतलब इसे बीबीए बोलते हैं लाइक जो बहुत ज्यादा बोल लाइक मोस्ट ऑफ द कॉलेज में लेकिन कुछ कॉलेज में इसे बीएमएस कहा जाता है लेकिन सब्जेक्ट्स वगैरह सारे कॉमन है एक ही मतलब एक ही कोर्स है ठीक है और इसमें मैं ना आईपीएम आईएम इंदौर आईएम अपना रोहतक और एक और आईपीएम शायद अभी आया है कोई मैंने इतना देखा नहीं सर की तो उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ वो क्योंकि पूरा मास्टर्स कोर्स हो जाएगा ना फिर तो मैं इसमें से बीबी और बीएमएस कॉलेजेस जो 3 इयर्स का कोर्स है उसकी बात करने वाला हूँ उनके लिए क्या कॉलेज है बेस्ट विदाउट मैथ्स जिनके पास और काफी लोग कंफ्यूजन होगा ना कि मैथ्स किस किस में कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता साइंस स्ट्रीम है सारे डाउट इस वीडियो के एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब ठीक है और वीडियो को लाइक कर देना एंड में कर देना अच्छी लगी तो स्टार्ट कर देंगे वीडियो को सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो ओके सो गाइस स्टार्टिंग विद लाइक नंबर 5 पे आते सिम्बायोसिस स्टडीज ऑफ लाइक मैनेजमेंट स्टडीज जिसे SCMS कहा जाता है उनके कैंपसेस की बात कर लूँ तो एक कैंपस है पुणे में एक उनका कैंपस है नोएडा में एक है नागपुर में मेन ये कैंपस एक इंदौर में बोला जाता है वो लाइक बहुत न्यू है शायद ये जो सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ लाइक सॉरी सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिसे SCMS कहा जाता है लाइक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कह लो सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज तो वो मतलब इंदौर वाला है ही नहीं तो काफी लोग डाउट मुझे कमेंट में पूछ रहे थे लाइक प्रीवियस वीडियोस में तो बता दूं वो नहीं इंक्लूड होता तो इनकी सीट्स की बात करें तो बहुत सारी सीट्स अराउंड 300+ है लेकिन जो मेन आपको एम करना है वो पुणे वाला करना है वो बेस्ट माना जाता है बाकी नोएडा वाले इतना अच्छा नहीं है लाइक आई स्टे इन लाइक डेलियंस या तो मेरे को पता है इतना अच्छा नहीं है क्राउड भी नोएडा का अच्छा नहीं है लाइक सेकेंड आपको प्रेफरेंस देनी है तो नोएडा और अगर आप डेलियंस में रहते हो तो नोएडा लो मतलब और मेन एम तो होना चाहिए पुणे चाहे कहीं भी रहते हो पुणे इज बेस्ट लाइक जो टॉप कॉलेज में काउंट होते हैं इतने सालों से पुणे कैंपस है ठीक है और अपना लास्ट नागपुर तो मुझे वर्थ इट ही नहीं लगता कहीं से भी तो उसे तो आप भूल जाओ लाइक आपकी मर्जी है लेकिन वो वर्थ इट है नहीं बिल्कुल भी फीस की बात करूँ काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे आता है ये फीस है इसके अराउंड 8 to 10 lakh अगर पर एनम की बात करूँ टोटल कोर्स की है पर एनम 3 lakh है जो सिम्बायोसिस की पुणे की कैंपस के बाकी कैंपस की भी सेम है शायद नॉलेज नहीं मेरे को लेकिन पुणे कैंपस मेरे फ्रेंड से तो उनसे मैंने पूछा तो 3 lakh है पर एनम की बात करूँ उनका एक एग्जाम होता है सेट एग्जाम वो आपको देना पता है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा आपको उसके मार्क्स प्लस जो आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू प्लस वॉट जिसे कहते हैं रिटन असेसमेंट टेस्ट कहते हैं इसे हाँ ऐसे ही था शायद रिटन असेसमेंट टेस्ट भूल गया लेकिन ऐसे ही है तो ये सब होता है लाइक तो पूरा प्रोसेस आपको देना पड़ता है उसके बाद एक लिस्ट जनरेट होती है लेकिन पहले वो सेट के बेसिस पे कुछ लोग वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपने पीआई के लिए पीआई और वॉट के लिए ठीक है तो ये इनका प्रोसीजर है प्लेसमेंट्स की बात करूँ प्लेसमेंट उनकी एवरेज रहती है अराउंड 3 to 4 lakh रहती है और इनकी हाइएस्ट जाती है अराउंड 12 to 13 lakh चली जाती है बीबीए के लिए सिम्बायोसिस की पुणे की बात करूँ ये मेन कैंपस की प्लेसमेंट बताइए नोएडा वगैरह की प्लेसमेंट लाइक बहुत एवरेज रहती है कम रहती है लाइक एज कम्पेयर टू द पुणे वन ठीक है इसलिए आपको पुणे वाले एम करना है मेनली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अगर कर मैथ्स वाले तो ऑब्वियसली कहीं भी कर सकते हैं लेकिन विदाउट मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि इसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं है तो आप काफी लोग पूछे कौन सा कॉलेज सिम्बायोसिस काफी अच्छा ऑप्शन है विदाउट मैथ्स वालों के लिए ठीक है यही सारी इन्फॉर्मेशन है मेन सिम्बायोसिस लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस लाइक फॉर बीबीए काफी सालों से तो आप कंसिडर कर सकते हो फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जिसका लाइक मेन कैंपस है बैंगलोर में
एंड लाइक उसके कैंपसेज हैं एक गाजियाबाद में जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं और एक है पुणे लवासा में कैंपस है, मेन कैंपस बैंगलोर है जिसको आपको प्रेफर करना चाहिए। गाजियाबाद इतना अच्छा नहीं माना जाता और लवासा भी, जो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं होते मेन बैंगलोर कैंपस में उनको दे दिया जाता है दिल्ली एनसीआर और लवासा, ये इनका रूल है सही। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट प्लस आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, उसको मिला के कंबाइन करके आपका एक रिजल्ट आता है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, उसके बेसिस पे सब कुछ होता है। तो ये इनका प्रोसीजर है मेनली। मैथ्स इसमें फिर से कंपलसरी नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी बात। फीस इसके काफ़ी अफोर्डेबल साइड पे, ओवरऑल टोटल कोर्स की फीस इसकी अराउंड 4.5 to 5 lakh पड़ती है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और एज़ कम्पेयर टू नासिमोनजी सिम्बायोसिस काफ़ी मतलब अच्छे मतलब चीप है, मतलब प्राइवेट कॉलेज होते हैं काफ़ी चीप साइड पे एज़ कम्पेयर टू नासी एंड सिम्बायोसिस, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करूँ, प्लेसमेंट भी इसकी सेम है जो कि सिम्बायोसिस में आपको मिलती है, अराउंड इसकी 4 to 12 lakh चली जाती है इसकी प्लेसमेंट आपकी क्राइस्ट की। सीट्स इन्हें कुछ नंबर बताते नहीं है लेकिन इसमें क्राइस्ट में ओवरऑल सारे कैंपस को मिला के अराउंड 800 सीट्स होती हैं ऐसा मैंने सुना है। उनके स्टूडेंट्स और काफी लोगों से मैंने पूछा तब मेरे को पता चला क्राइस्ट के बारे में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए। तो जो थर्ड नंबर पे वो आता है वो है सेंट जेवियर्स जो कि मुंबई में है। इधर आपको मिलता है लाइक सिम्बायोसिस क्राइस्ट में बीबीए था, इधर आपको बीएमएस कहा जाता है उस कोर्स के लिए। सेंट जेवियर्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इंडिया का, लोग काफी इस पे ध्यान नहीं देते, ये बहुत अच्छा है। उसकी फीस अराउंड टोटल शायद 30,000 है जो कि मतलब क्रेजी मतलब बहुत ज्यादा चीप है एंड लाइक उसकी प्लेसमेंट सेम होती है सिम्बायोसिस वगैरह की तरह लाइक 10 to 12 lakh तक जाती हैं और एवरेज उनका 4.5 lakh ऐसे अराउंड रहते हैं एवरेज। सेंट जेवियर्स की ब्रांड वैल्यू में देखा जाए तो क्राइस्ट सिम्बायोसिस से थोड़ी ऊपर ही है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया इसमें बस ये कि इसमें थोड़ा 12th के मार्क्स कंसीडर करे जाते हैं प्लस आपका जो उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बेसिस पे क्यूमुलेटिव लेके आपका निकलता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, तो इसमें ये डिफरेंस है। बाकी क्राइस्ट की एलिजिबिलिटी मैंने अगर आपको नहीं बताई तो उनकी ज़्यादा कुछ नहीं होती है, आप पास होने चाहिए 50% प्लस, सिम्बायोसिस में भी 50% प्लस होना चाहिए उनकी एलिजिबिलिटी, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी है कि शायद इसमें 60% समथिंग है, मुझे इतना 60% यस 60% 12th में होने चाहिए, तो आपके क्यूमुलेटिव लगता है 12th के स्कोर का कंसीडर किया जाता है 40% और 60% एंट्रेंस टेस्ट। इसमें मैथ्स कंपलसरी होते हैं, जिसके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए कॉलेज नहीं है। ओके, ये हो गया मुंबई का, मुंबई में पढ़ता है सिर्फ इसका एक ही कैंपस लाइक मुंबई में ही मेन है, इसकी मैं मुंबई वाले की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोलकाता वाला है एक सेंड थोड़ा अलग है काफी, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अब अपना हो गया थर्ड नंबर का, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर टू। अब आता है सेकेंड पे जिसे जिसमें मैं लाइक पढ़ता हूँ वो है NMI में नासिमोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उनका जो मेन कैंपस है उनकी बात करते हैं। देखो जितने भी कॉलेज उनका मेन कैंपस टॉप मोस्ट कॉलेज है NMI में इसका मुंबई, जिसमें लाइक मैं भी मुंबई में, तो मुंबई टॉप मोस्ट कॉलेजेस है कोर्सेज। वैसे मैं बीबीए की बात कर रहा हूँ तो अभी बीबीए बता रहा हूँ, उसमें कोर्स है बीबीए बीकॉम ऑनर्स और अपना एक और बीएससी फाइनेंस है। जो उनका स्कूल है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, वो टॉप मोस्ट माना जाता है इन तीनों कोर्सेज के लिए। लाइक मैं बीकॉम ऑनर्स में हूँ लेकिन जैसे बीबीए स्पेसिफिक है तो बीबीए में मैं बता रहा हूँ ये, तो ये अनिल सुरेंद्र कि उनके काफ़ी नासिमोनजी यूनिवर्सिटी है उनके काफ़ी, जैसे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वैसे ये अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स जो कि मुंबई कैंपस को कहा जाता है वो मेन है। पूरी डिटेल वीडियो मैं बोल रहा था कि अपना जो NMI में इसके जितनी भी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो और भी बना रखी और भी आगे बनाऊंगा ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस की, लेकिन NMI में पढ़ता हूँ तो वो मेन है, उसके लिए काफ़ी मैं और भी डिटेल नॉलेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आपको और भी वीडियो मिले। आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख लो, जितने भी कैंपस प्रेफरेंस और प्लेसमेंट वगैरह सबके बारे में बताया, ठीक है। इसलिए NMI के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा, सिर्फ मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्लेसमेंट्स इसकी अच्छी जाती है अराउंड हाईएस्ट जाते 14 lakh, एवरेज जाते 3 to 4 lakh और कैंपसेस काफ़ी जगह नवी मुंबई मेन, लेकिन मुंबई में, लेकिन कैंपस है नवी मुंबई बैंगलोर में है अपना, ठीक है, हैदराबाद में है, ठीक है, आप देख लेना और भी वीडियोज में जो मेरे NMIMS वाली हैं। इसकी फीस काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे आती है, पर एनम फीस इसकी बीबी की 3 lakh है तो आपका पूरा कोर्स 9 lakh में होगा, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है नासिमोनजी का लाइक सिम्बायोसिस की तरह, ठीक है। ये अपना सेकंड नंबर पे, इसकी आप पूरी डिटेल मेरी और भी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर वन कॉलेज की तरफ।
ओके सो लाइक नंबर वन है अपना शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि आता है डीयू के अंदर. ये प्रोवाइड करता है बीएमएस बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. इसका प्रोसीजर बताऊं तो आपको देना पड़ता है डीयू जैट. उसकी वेटेज डीयू जैट की होती है 65%. बाकी आपको जो 12th का स्कोर उसकी होती है 35% वेटेज होती है. उसके बेसिस पे आपका होता है सिलेक्शन, ठीक है, बीएमएस में. तो ये टॉप कॉलेज है, मतलब इंडिया का, इवन एशिया, मतलब पूरे एशिया का भी टॉप बिजनेस कॉलेज कहा जाता है. तो काफ़ी अच्छी चॉइस है. इसकी फीस ऑब्वियसली डीयू के अंदर आ जाए तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है. लाइक पर ईयर इसके अराउंड 30,000 to 40,000 कुछ है. इससे भी चीपर शायद, लेकिन जो मेरे को याद 30,000 to 40,000 है. लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बहुत है. इसकी सीट्स अराउंड सिर्फ 100 to 120 सीट्स हैं इसकी. तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसके लिए. इसके लिए भी अल्ले को जो लास्ट के थ्री बताए सेंट जेवियर्स NMIMS और इसमें मैथ्स कंपलसरी आपको चाहिए. डीएस में शहीद सुखदेव में भी आपको ड्यू जैट देना है, उसके लिए ही आपको मैथ्स होनी चाहिए. जैसे आपको एनपैट देना है NMIMS का किसी भी स्कूल के लिए, उसमें मैथ्स कंपलसरी है. तो ठीक है, ये टॉप मोस्ट कॉलेज है, इसके लिए आप एम कर सकते हो. मैंने इनमें से डीयू जैट शहीद सुखदेव और सेंट जेवियर दिया ही नहीं था. बाकी तीन कॉलेज दिया था, बाकी तीन में हो गया था. इसलिए उन तीनों का मैं एक्सपीरियंस और भी वीडियोज में आगे और कर चुका हूँ पहले भी, तो आप जाके देख लेना और भी कंटेंट आने वाला है. तो ये टॉप मोस्ट कॉलेज है. यही थे अपने टॉप 5 बीबी और बीएमएस के कॉलेजेस इंडिया के. आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी और अब आप अपना माइंड अच्छे से मेड अप कर सको कि कौन से में जाने. अगर आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन होता है किसके लिए सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है तो आप वो सब देख लेना, ठीक है. और किसी भी कॉलेज के रिलेटेड अगर किसी आपको ना किसी स्पेसिफिक कॉलेज रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो और भी कमेंट में बता देना. कुछ भी डाउट हो कमेंट में मैं आंसर कर दूंगा. या फिर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो. आपको मेरा यूजर नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. तो बस, और वीडियो को लाइक करके बना मत जाना. और आपको लगता है किसी फ्रेंड और को भी देखनी चाहिए उसे भी प्लीज शेयर कर दो, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइस, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ.